देश में एक खबर कल पूरी तरह सुर्खी में छाई रही। क्या खबर छाई रही? आम आदमी पार्टी से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया सीबीआई ने। सीबीआई के द्वारा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी राजनीतिक हलकों में बहुत सारे प्रश्न लेकर आई। पहला प्रश्न जो हमेशा होता है, भारतीय राजनीति में अब इस तरह का पड़ाव आ चुका है कि सीबीआई, ईडी यदि कोई भी कार्यवाही करे और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को छोड़कर अगर किसी अन्य पार्टी के सदस्यों पर हो तो इसे राजनीतिक इच्छा के कारण की गई कार्रवाई माना जाता है। अक्सर यह देखा गया है सीबीआई ने अगर आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई की तो यह माना जाएगा कि सब पार्टी पर इंटेंशनली कार्रवाई की गई है, क्योंकि सीबीआई केंद्र के आदेशों की पालना करती है। केंद्र में चूंकि एनडीए गवर्नमेंट है और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए यह कार्य किया गया है। हम इस राजनीतिक व्यवस्था के चक्कर में चर्चा नहीं करेंगे, हम आपको सही स्थिति बताने का प्रयास करेंगे और यह बताएंगे कि दिल्ली के अंदर असल मायने में वो एक्साइज स्कैम है क्या, यानी वो कौन सी कहानी है या आबकारी के अंदर वो कौन सा घोटाला है जिसके चलते सिसोदिया को सीबीआई ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जो सिसोदिया दिल्ली को एजुकेशन के रूप में पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं, वही सिसोदिया सीबीआई ने अपनी जानकारी जो दुनिया को प्रेषित की है उसमें पता चलता है कि वो 5 से 10 दिन के भीतर भीतर लगभग 50 से अधिक फोन नंबर बदल लेते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्होंने एक्साइज में बड़ा घोटाला कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक्साइज से जुड़े हुए यानी आबकारी नीति से जुड़े हुए दस्तावेजों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है, डेटा मिटा दिए हैं, बहुत सारे फोन नंबर्स को डिलीट कर दिया है, करोड़ों रुपए के तो फोन इन्होंने तोड़कर फेंक दिए हैं कि कहीं कोई डेटा रिकॉर्ड ना निकल आए। साथियों, भारत की राजनीति के साथ एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहिए या फिर यह समझिए कि राजनीति के चेहरे हैं लेकिन शायद हम ही आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं। प्रत्येक राज्य सरकार जो भी शराब की नीति बनाती है, दिखाती है अपने आप को लोक कल्याणकारी कि हम लोग लोक कल्याण में काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में उनका जो कार्यक्रम होता है वो शराब को बेचकर धन अर्जित करके लोक कल्याण की नीतियों को चलाने की तरफ होता है। कोई भी राज्य छूता नहीं है, चाहे वो यूपी हो, चाहे बीजेपी का शासित राज्य हो, चाहे राजस्थान कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे दिल्ली और पंजाब आम आदमी पार्टी द्वारा संबंधित राज्य हो। कुल मिलाकर यह है, शराब बेचो, पैसे कमाओ, पैसे से कमाई हुई धन से या टैक्स से जनता के सामने एक अच्छी इमेज बनाओ, लोक कल्याण के नाम पर उस पैसे से स्कूल खोल दो, फ्री योजनाएं बना दो, यानी आधी आबादी को मारो और आधी आबादी को उठाओ। जो मर रहा है वो भी खुश है क्योंकि आपने उसको शराब दी है, और जिसको आप अपलिफ्ट कर रहे हो वो भी खुश है क्योंकि आपने उसके हित में स्कूलें और हॉस्पिटल खोल दिए हैं। यानी कि एक ऐसा जुर्म जिसमें हर तरफ विन है। आप शराब बेच करके भी किसी के अच्छे हैं तो शराब से कमाए पैसे को खर्च करके भी किसी के लिए अच्छे हैं, और यही जो एम्बिगुअस सिचुएशन है इसे हम पता नहीं क्यों आंखों पर पट्टी बांधकर देखते रहते हैं। चलिए मैं आपको दिल्ली में हुए घटनाक्रम के बारे में बताता हूं कि आम आदमी पार्टी जो दुनिया के अंदर भ्रष्टाचार को मिटाने के नाम पर एंट्री की थी दिल्ली की राजनीति में, वही राजनीतिक पार्टी अपने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक मंत्री पद नहीं अपितु 2 दर्जन से अधिक मंत्री पद देकर बिठा रखी है। जिसके पास दिल्ली में सर्वाधिक विधायक हो उसे अपने ही विधायकों पर विश्वास नहीं, और शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, आबकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों को एक ही व्यक्ति को दे रखा हो। ये कैसी डेमोक्रेसी है भाई? क्या आप लोगों पर विश्वास नहीं करते या एक पर अत्यधिक विश्वास करते हैं? आज के सेशन में सभी चीजों पर चर्चाएं होंगी। चर्चाएं क्यों जानना जरूरी है? आबकारी, मद्य निषेध, इस पर आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं एक बढ़िया सा मैसेज या बढ़िया सा एक राइटअप, एक बढ़िया सा ऐसे, एक बढ़िया सा आंसर, क्योंकि ये सारी विषय गवर्नमेंट पॉलिसीज से रिलेटेड हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हमें क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आप पूछेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज से क्या लेना देना? आइए मैं आपको पहले एक बेसिक बात बताता हूं, फिर विषय वस्तु की तरफ लेकर चलूंगा, थोड़ा अपना भी अनुभव आपसे साझा करूंगा। बातों को इस तरह से सुनिएगा कि आपके सामने अनुभव के साथ बातें बताई जा रही हैं। जरा सुनिए मेरे प्यारे साथियों, आबकारी यानी कि शराब बिक्री। शराब बिक्री की जो कहानी है वो हर राज्य के लिए आय का, राजस्व का बहुत बड़ा सोर्स है। पेट्रोल, डीजल, जीएसटी और ये शराब बिक्री, ये वो प्रमुख सोर्सेज हैं जिनसे राज्य को धन की प्राप्ति होती है। लेकिन इसी धन की प्राप्ति में बहुत सारा घोटाला होता है, इसी धन की प्राप्ति में बहुत सारा भ्रष्टाचार होता है, जिसके आरोप के सामने मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं। मैं आपको पहले समझाने का प्रयास करता हूं पॉलिसी क्या होती है। पॉलिसी को ऐसे समझिए, राज्य सरकार हर साल अपने कुछ नियम बनाती है। नियम के तहत यह निर्धारित किया जाता है कि हम शराब की बिक्री कैसे करेंगे, किन्हें करेंगे, शराब की सप्लाई कौन करेगा, शराब किन किन जगह पर मिलेगी और शराब के ऊपर कितना % मार्जिन रखा जाएगा। सरकार बकायदा लिखित पेपर पर एक एक चीज निकालती है। मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे लोगों को जब यह पहली बार पता चलता है कि सरकार शराब बेचने के लिए दुकानों पर, ठेकेदारों पर, सरकारी कर्मचारियों पर दबा के प्रेशर देती है कि शराब बेचो नहीं तो पैसा नहीं आएगा और पैसा नहीं आएगा तो तनख्वाहें नहीं जाएंगी, आपको सरकार से विश्वास उठ जाता है। क्या वाकई में ऐसा होता है क्या? हमें तो लगता है सरकार लोक कल्याणकारी कार्य करती है, हॉस्पिटल के उद्घाटन होते हैं, पीछे के मामले में कुछ और ही चलता है। राज्य सरकारों के राजस्व का बहुत बड़ा सोर्स है शराब की बिक्री। हर राज्य के अंदर शराब बिक्री से लगभग 9,000 करोड़ रुपए का टैक्सेशन दिल्ली को प्राप्त होता है। शराब की बिक्री से 15,000 करोड़ रुपए का लगभग टैक्सेशन राजस्थान को प्राप्त होता है शराब बिक्री से। इससे 1.5 गुना टैक्सेशन प्राप्त यूपी को होता है शराब बिक्री से, और यही तो आपके लिए तनख्वाहों में निकल कर आता है। खैर, पॉलिसी के अंदर निर्धारित किया जाता है कि शराब की बिक्री कैसे होगी, किस तरह से। अब शराब की बिक्री को लेकर के क्या चीजें होती हैं, सामान्य घटना को समझिए। शराब बिक्री में शराब के कुछ निर्धारित दुकान होती हैं जिन्हें आप शराब का ठेका, सरकारी ठेका, आपने कई बार देखा होगा ना, सरकारी शराब की दुकान, सरकारी ठेका लिखा हुआ देखा होगा। इसका मतलब क्या है? सरकार ने उन्हें टेंडर दिया था, उन्होंने वो टेंडर खुलवा लिया, वो दुकान उनकी हो गई। इस ही टेंडर की कहानी में मनीष सिसोदिया की कहानी छिपी है। क्या कहानी है, आइए मैं आपको बताता हूं। तो फिलहाल के लिए करप्शन चार्जेस मनीष सिसोदिया पर हैं। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने शराब की पॉलिसी में गड़बड़ घोटाला करके करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा के पंजाब चुनाव में ठेकेदारों से पैसे लेकर चुनाव में पैसे लगवाए। जब काम निकल गया, पंजाब का चुनाव जीत गए, पॉलिसी बदल दी। पॉलिसी बदलकर बीच में ही पॉलिसी पलट दी और पलट करके वापस पुरानी पॉलिसी पर चले गए। इस वजह से ठेकेदार वर्ग नाराज है और इन्हीं कारण से इनका एक बहुत करीबी व्यक्ति सरकार के लिए सरकारी गवाह बन गया। उस सरकारी गवाह के बताए हुए या उसके बताए गए निशानदेही पर इनके एक करीबी व्यक्ति के ये सारे जो रेड हैं ये पड़ती जा रही हैं। अब आप पूछेंगे ये कैसे पता चलता है कि कौन सा विषय किसके पास है। मेरे प्यारे साथियों, भारत के संविधान की अनुसूची 7 के अंदर देश के जितने भी कार्यक्रम हैं उन्हें विषयों के अंदर पढ़ा जाता है। भारत के संविधान में 3 प्रकार के विषय हैं, केंद्रीय सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये विषय शेड्यूल 7 में लिखे हुए हैं। आप इधर देख सकते हैं यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कहां पर मेंशन है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में। कई बार यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यूनियन लिस्ट के अंदर लिखे गए विषयों में कितने विषय केंद्र के पास हैं। 100 सब्जेक्ट जैसे है डिफेंस, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राम, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी। दूसरा सवाल पूछ लिया जाता है कि स्टेट लिस्ट के अंदर वर्तमान में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में यहां पर 61 विषय हैं, 61 विषय हैं जो यहां पर हैं, ठीक है ना। अच्छा, स्टेट लिस्ट है 61 सब्जेक्ट। स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट कौन से आते हैं? ट्रेड और कॉमर्स, पुलिस, फिशरी, फॉरेस्ट, लोकल गवर्नमेंट, थिएटर, इंडस्ट्रीज, ये स्टेट लिस्ट में आते हैं। तीसरा है कंकरेंट लिस्ट, जिस पर दोनों केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं, उनमें 52 विषय आते हैं। 52 विषय जो हैं वो किस तरह के हैं? जैसे स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स, पॉइजन, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर, क्रिमिनल लॉ, लेबर वेलफेयर, ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्टेट लिस्ट के विषय शराब के बारे में। शराब पर हुआ क्या, आइए मैं आपको बताता हूं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं मनीष सिसोदिया, वो गिरफ्तार हुए हैं। क्यों गिरफ्तार हुए हैं बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा मनीष सिसोदिया के बारे में आप जान लीजिए। जनाब, बात यह है कि मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली में कुल 33 विभागों में से 18 विभाग हैं। इतने काबिल व्यक्ति केजरीवाल जी के पास हैं कि उनके पास आधे से अधिक विभाग हैं। 18 विभाग 33 में से पोर्टफोलियो ये मेंटेन करते हैं और इन पोर्टफोलियो में इनके पास में कैसे कैसे पोर्टफोलियो है देखिए जरा। एजुकेशन इनके पास है, फाइनेंस इनके पास है, विजिलेंस इनके पास है, इतना ही नहीं हेल्थ भी इनके पास है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी इनके पास है, गृह मंत्रालय भी इनके पास है। भाई साहब गजब विभाग है इनके पास में। इवन इनके एक साथी मंत्री को जब जेल हुई सतेंद्र जैन को तो उनका विभाग भी इन्हीं के पास है। गजब काबिल आदमी है। फिलहाल ये सिसोदिया जी गिरफ्तार हुए हैं, इनकी जो इमेज है दुनिया में वो क्या है कि ये शिक्षा को लेकर गजब काम कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए गए हैं। कहां पर? दिल्ली में। विचार करिए ये कितना ही मतलब विवेचनकारी दिमाग में है। एक राज्य के अंदर उप मुख्यमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति अपने नाम से कहता है कि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी, लेकिन वही व्यक्ति जब अपने बारे में यह पता चलता है कि शराब के क्षेत्र में भी मैंने क्रांति ला दी, मैंने शराब को, आपको जानकर आश्चर्य होगा इन्होंने कैसे कैसे कारनामे किए हैं। कारनामा यह कि शराब 3 बजे तक मिलेगी और तो और शराब की होम डिलीवरी होगी। चाह क्या रहे हो यार, है? यह था आप लोगों का अन्ना आंदोलन जिसके तहत आपने मतलब शराब जैसी चीज जिसको कि रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, लोगों की मांग होती है कि शराब ना बिके, वो शराब घर तक पहुंच रही है। सुबह 3 बजे तक दुकानें खुल रही हैं, दुकानों की संख्या बढ़ाकर 850 कर दी गई है। जहां दिल्ली के कई वार्ड ऐसे थे जहां शराब की दुकानें नहीं थी, वहां दुकानें जबरदस्ती खुलवाई जा रही हैं कि नहीं 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 सब जगह होना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि अवैध दुकान चल रही है, हम अवैध मिटाना चाहते हैं, हम वैध लाना चाहते हैं। अरे सरकार, खैर कोई नहीं। और अच्छा इसमें ना ये ही नहीं, मैं केवल इनकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये अपनी इमेज शिक्षा को लेकर व्याप्त करना चाहते हैं। हर राज्य सरकार ऐसी ही है, यही नहीं हर राज्य सरकार का यही है, बस कुछ ज्यादा है कुछ कम है। लेकिन चूंकि इन्होंने शिक्षा जैसे पवित्र कार्य की आड़ में शराब का काम किया है तो ये अपने आप में ना मतलब थोड़ा सा अपोजिट प्रकार का फील होता है कि यार एक तरफ तो सरकार आप कह रहे हो कि आप शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रहे हो, दूसरी तरफ आपकी पॉलिसीज है कि हर वार्ड में दुकान खुले, घर घर शराब पहुंचे, 3 बजे तक शराब मिले, जहां हो सकती है शराब बेचो और तो और जितना मुनाफा कमा सकते हो कमाओ, बियर के प्रति कैरेट पे इतना सस्ता कर दो, एक बोतल के साथ एक फ्री कर दो। यार कैसी राज्य व्यवस्था है ये, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, दिल्ली का स्वागत है। ये इनके कारनामे थे, हालांकि अब ये बैकफायर कर गए हैं, पॉलिसी बदल दिए हैं। खैर अब देखिए ऑब्वियस सी बात है आम आदमी पार्टी अपने राजनेता को बचाएगी तो बीजेपी के दफ्तर के ऊपर प्रदर्शन होगा। ये राजनीति है। बीजेपी ये दिखाएगी कि देखो हम तो दूध के धुले हैं। दूध के धुले क्यों हैं? क्योंकि हमारे राज्यों में तो ऐसा होता ही नहीं है, सबके यहां यही चल रहा है, बस कुछ कम और कुछ ज्यादा। कुछ लोग कहते हैं 8 बजे बाद में शराब नहीं मिलेगी लेकिन नीचे से मिल जाएगी। सबका अपना अपना राग है जनाब, ठीक है। अब दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो बीजेपी के दफ्तर पर और बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर। आपने हाल ही में इनके एमसीडी में हुए दंगों की तस्वीरें तो देख ही ली होंगी, ऐसे लूट खसोट कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ रहे थे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लोग, पार्षद, जैसे पता नहीं मतलब क्या ही महाभारत चल रही है। खैर डेमोक्रेसी है जनाब, और ये अत्यधिक डेमोक्रेसी जो है ना ये लोगों को समझ से परे है। इमोशंस के साथ खेल करके उस आड़ में कुछ गलत कार्यों को अंजाम देना जो है ना ये हम लोग आंखों पर पट्टी बांध कर देखते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे सामने 2 विकल्प दिए गए हैं, एक अच्छा, एक कम बुरा और एक ज्यादा बुरा, और जो कम बुरा है ना वो अच्छा है और इसीलिए हम उसे चुन लेते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर ये जो सबसे बड़ा इस समय का चैलेंज है जिसको आप लोग अपनी तरफ से भी एहसास में ले सकते हैं। खैर फिलहाल के लिए ये जेल पहुंच गए हैं। सोसाइटी मैटर टू प्राइड अरविंद केजरीवाल ने कहा है गोइंग टू जेल फॉर कंट्री, देश के लिए जेल है। जैसे बीजेपी ने अडानी के लिए कि भाई अडानी जो है ना उसको कुछ नहीं कहा गया, अभी तक कोई बयान नहीं आया। अडानी खुद बोल रहे हैं कि देशवासी मेरे समर्थन में आए। इधर केजरीवाल कह रहे हैं इस साहब मनीष सिसोदिया देश के लिए जेल गए हैं। अच्छा ऐसा देश जहां एक दारू के बोतल के साथ एक दारू फ्री मिल रही है, 3 बजे तक दुकानें खुल रही है? मतलब कुछ भी हो रहा है यार, मत कहो ऐसा यार, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। स्कूल खोल दी ठीक बात है भाई, काम है आपका करोगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ अपराध भी बढ़ा दोगे कि चलो भाई बढ़ाओ। ये तो प्रूवन फैक्ट है ना कि शराब के साथ अपराध की भी बिल्कुल संज्ञा जुड़ी हुई होती है। कोई नहीं साहब, तो फिलहाल के लिए ये जेल से जल्दी छूटेंगे ऐसा इनका मानना है। अब कहानी कहां से शुरू होती है थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए, फिर आप अपना विचार भी इसमें व्यक्त करिएगा। असल में क्या है, दिल्ली की पुरानी शराब नीति थी। शराब नीति क्या होती है? पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब होता है सरकार के द्वारा हर साल निर्धारित किया जाता है किस तरह से शराब को बेचा जाएगा। दिल्ली में पहले यह होता था कि यहां की 60% दुकानें सरकारी थी, सरकारी बोले तो सरकार खुद ऑपरेट करती थी, जिनके नाम L1 और L10 के नाम से हुआ करते थे। L1 नाम से जो दुकानें हुआ करती थी वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA उनके द्वारा जो अप्रूव्ड मार्केट हैं, लोकल शॉपिंग सेंटर हैं, कन्वेंशनल शॉपिंग सेंटर हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, कम्युनिटी सेंटर हैं, वहां पर चला करती थी, ठीक है। और L10 नामक जो दुकानें हुआ करती थी वो शॉपिंग मॉल के अंदर चला करती थी और इनके लिए हर साल लाइसेंस रिन्यू होते थे और उस रिन्यूअल की फीसेस भी पे की जाती थी, जिससे सरकार को राजस्व प्राप्त होता था। सरकार इसी तरह से चलती थी, ठीक है। पहले L1 और L10 के नाम से, तो L1 तो हो गई दुकानें और L10 हो गई शॉपिंग मॉल के अंदर दुकानें, ठीक है। और L1 खुलती कहां थी, तो ये सरकारी दुकानें जो बताई होती थी जगह, मॉल मतलब सरकारी मार्केट एरिया, अप्रूव्ड जगह पर ही ये दुकानें खुलती थी। दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को शराब के लिए मनीष सिसोदिया द्वारा एक नई आबकारी नीति लाई जाती है और उसके अंदर यह निर्धारित किया जाता है कि जो दुकानें हैं जिसमें अभी तक 40% प्राइवेट हैं और 60% सरकारी हैं, उन्हें पूरी तरह बदल करके प्राइवेट ही कर दिया जाना चाहिए। प्राइवेट कर दिया जाना चाहिए मतलब नई पॉलिसी ला करके सारी सरकारी दुकानें बंद, यानी सरकार मार्जिन नहीं कमाएगी, प्राइवेट आदमी मार्जिन कमाएगा, प्राइवेटाइज कर दिया। LPG रिफॉर्म शराब के अंदर ले आए मनीष सिसोदिया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर को नई शराब नीति को मंजूरी दी, जिसके अंदर सरकारी दुकानें बंद हुई और दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया बकायदा। हाँ भाई, ये 13 एरिया, ये 13 एरिया, ये 13 एरिया, इस तरह से 32 जोन में पूरे दिल्ली को बांट करके 16 वेंडर बनाए गए। 16 वेंडर बोले तो आपके सप्लायर जो हैं वो 16 हैं, एक सप्लायर 2 जोन को शराब सप्लाई करेगा, ठीक है साहब। 16 जोन में बांट दिया गया, हर जोन में 27 शराब की दुकानें थी। इन दुकानों का मालिकाना हक जोन को जारी किए गए लाइसेंस के तहत दिया गया था। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी गई कि एक वार्ड है, यहां पर 2 से 3 वेंडर शराब बेचेंगे। सरकार ने लाइसेंस धारकों के लिए नियमों को आसान बनाया, जिसके तहत उन्हें शराब पर डिस्काउंट देने और MRP के बजाय खुद कीमत तय करने की छूट दी गई। मतलब शराब की दुकानों पे जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये है कि सर दारू पे इतने रुपए की कीमत लिखी हुई है, वो इतने रुपए ज्यादा में बेच रहा है, उस पर फिर कार्रवाई होती है। यहां पर ये हुआ आपकी मर्जी पड़े जितने में बेचो भाई, आप तो शराब बेचो, कोई भी प्राइस को लेकर शिकायत नहीं करेगा। ज्यादा में बेचनी है ज्यादा में बेचो, कम में बेचनी है कम में बेचो, शराब बेचो। इससे शराब बिक्री के अंदर भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। अब जब भारी बढ़ोतरी देखने को मिली तो आप इसकी थोड़ी सी कहानी जानिए और इसके बीच में जो CBI की एंट्री हुई अब वो भी जानिएगा। 17 नवंबर को दिल्ली सरकार नई शराब नीति लाती है। 32 जोन में शराब खोलने के लिए स्थान बनाए जाते हैं। हर जोन के अंदर 27 दुकानें खोलने का प्रावधान किया जाता है। 849 दुकानें खुलनी तय होती हैं, जिसकी वजह से सरकार को राजस्व में 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। कोरोना काल के अंदर जब दुकानें नहीं चल पाई थी, देखिए उस समय भी देश की इकोनॉमी को शराब की दुकानों ने चलाया था। दुकानें कोरोना काल में भी खुली थी और लोगों ने यह सोचकर पी थी कि जब हम लोग जब उससे स्प्रिट से हाथ धोते हैं तो साफ हो जाते हैं, पीने से तो कोरोना अंदर ही मर जाएगा, ये विचारधारा लगाई थी, जबकि लंग्स में नहीं जाती है शराब। खैर कोई नहीं, सोचे साहब। ऐसी स्थिति में 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ की गई थी। ये जो फैक्ट है ना, इसने सबसे बड़ा बवाल खड़ा किया। देखो क्या होता है, दुकानें जब प्राइवेट लोगों को दी जाती हैं तो उनसे लाइसेंस फीस वसूली जाती है। लाइसेंस फीस जब वसूली जाती है, अब आपसे यह कहा गया कि कोरोना काल में आपकी दुकानें नहीं चली, आपको लाइसेंस फीस ड्यू है जो आपको देनी थी, कोई बात नहीं, लाइसेंस फीस मत दो। ये जो 144 करोड़ रुपए की राहत ठेकेदारों को दी गई ना, बीजेपी का जो कि विपक्षी पार्टी है दिल्ली में, उसका आरोप है इस ही पैसे में से इन्होंने कमीशन लेकर के पंजाब चुनाव में पैसा ठेकेदारों से मांग लिया। देखिए यह भी एक प्रकार का ओपन सीक्रेट है। करप्शन के अंदर जो शराब का कारोबार है ना, ये भयंकर, आप फिल्मों में देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए। शराब इटसेल्फ एक ऐसा विषय है जिसको इतिहास से लेकर आज तक कोई भी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं रख पाया है। ऐसी स्थिति में आरोप लगा कि लाइसेंस फीस माफ कर दी गई और इस आरोप में से जो लाइसेंस फीस माफ कर दी गई ना, इसके कारण 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मई 2022 तक इनका लाइसेंस आगे बढ़ा दिया गया। फिर एक बार फिर से 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। यानी ठेकेदारों से यह कहा गया चिंता मत करो। नवंबर 2021 से दुकानें ओपन हुई। नई शराब नीति से प्रावधान क्या दिया गया कि आप लोग शराब मनमाने कीमत पर बेचे, कोई नहीं रोकेगा। आप रात 3 बजे तक दुकान खोलें, कोई नहीं रोकेगा। एक के साथ एक शराब मुफ्त दी जाएगी, बेचो बढ़िया से, पैसे कमाओ। और जो ठेका सरकार को मिलना चाहिए, राजस्व जो टैक्सेशन में मिलना चाहिए, वो भी मत दो। तो फिर यही तो सवाल है कि तो फिर सरकार ने इतना कुछ किया, उसके बावजूद सरकार ने टैक्स नहीं लिया। सरकार के अपने अकाउंट में ना लेकर फिर लिया कहां? यही तो प्रश्न है जो खड़ा होता है। ऐसी स्थिति में जितने भी निर्णय लिए गए उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की कोई मंजूरी नहीं ली गई। कैबिनेट की बैठक बुलाकर ही निर्णय ले लिए गए। और थोड़े थोड़े दिनों में फिर बात क्या निकलकर आने लगी कि राजस्व बढ़ने की बजाय राजस्व कम होने लग गया, टैक्सेशन की वसूली कम हो रही है। ये देखिए कितनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है। शराब तो ज्यादा बिक रही है और टैक्स कम आ रहा है, तो जा कहां रहा है? यही तो प्रश्न है। टेंडर दस्तावेजों में प्रावधान को हल्का करके रिटेल लाइसेंसियों को वित्तीय फायदा पहुंचाया गया। ये जब चीजें आने लगी तो फिर लोगों का ध्यान कहीं और भी गया। यही कार्यकाल जब चल रहा था, जब पॉलिसी आई थी, उस समय पंजाब में इलेक्शन भी थे। पंजाब में इलेक्शन थे, भगवंत मान चुनाव लड़ रहे थे। भगवंत मान चुनाव लड़ रहे थे। केजरीवाल पर आरोप था कि इन्होंने खालिस्तानियों से पैसा लिया है, एसएफजे से पैसा लिया है। हालांकि उसको भी इन्होंने यह कहकर टाल दिया कि मैं तो स्वीट आतंकवादी होकर खुश हूं क्योंकि मैंने उस पैसे से स्कूलों के कमरे बनवाए हैं। यानी लोगों को जो बहुत ज्यादा चीज प्रभावित करे वो स्कूल और हॉस्पिटल है, वो हमने बनवाए हैं। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि इस खेले में और क्या हुआ। आप जानकर आश्चर्य करेंगे। ये नंबर्स देखिए। पहले दिल्ली में ड्राई डे 21 हुआ करते थे कि 21 दिनों तक दारू नहीं बिकेगी, घटा के 3 कर दिए कि भाई ऐसा नहीं है, 21 दिन तक शराब नहीं बेचोगे तो फिर कमाओगे कैसे, दुकानें हटाओ। दूसरी तरफ डिस्काउंट जो था पहले कुछ नहीं हुआ करता था, बोले 25% डिस्काउंट पर माल बेचो लेकिन ज्यादा बेचो, बढ़िया जगह लो, 500 स्क्वायर फीट का एरिया लो। पहले कोई रेगुलेशन नहीं था, अब रेगुलेशन भी दे दिया गया। शॉप जो सरकारों द्वारा चलने वाली थी वो पूरी तरह बंद। प्राइवेट शॉप की संख्या 849। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में सब कुछ मालामाल वीकली हो रहा था। और तो और कई कई विस्कियों के रिटेल प्राइस में तो इतना परसेंट, यहां पर आप देखिए 989% का भी मार्जिन देखा गया। गजब चल रहा था। यह सारा खेला जब हो रहा था तो ऐसी स्थिति में सीएम सिसोदिया ने दिल्ली के 273-72 वार्ड में से 79 वार्ड में जहां एक भी शराब नहीं थी, दुकान नहीं थी, 45 ऐसे वार्ड थे जहां 1 से 2 दुकानें थी, उन सभी वार्ड के अंदर दुकानें खुलवा दी गई कि बोले नहीं सब दुकानों में खोलो क्योंकि उसकी वजह से कालाबाजारी होती है, लोग ब्लैक में बेचते हैं। अरे भाई ब्लैक में भी वही शराब बिकती है जिसका टैक्सेशन आप ऑलरेडी वसूल कर चुके हैं। ब्लैक शराब कहीं बाहर से नहीं आ रही होती है, आपके ही क्षेत्र की शराब दूसरी जगह बिक रही होती है और उसके टैक्सेशन को आप अपने एक सरकारी गोदाम से बेच चुके होते हो। सर इन्होंने अपनी कार्रवाइयां दिखाई, ये सब फर्जी चीजें हैं, ठीक है ना। अब कुल मिलाकर के इनको कितना फायदा हुआ? राजस्व में 7900 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने 6 महीने बाद अपनी शराब की दुकानों की संख्या में नंबर की कमी पाई, ये समझ से परे था। 6 महीने तक आपने कमाई करी फिर भी आपकी दुकानों की संख्या आधी रह गई, यह कैसे हुआ होगा? यहां पर फिर एक नया खेला निकल कर आया। नया खेला यह था कि पॉलिसी नवंबर में आई, जुलाई तक टैक्स फ्री चल रहा है, एक तरह से लाइसेंसियों की कोई फीस नहीं लग रही है, फिर भी दुकानें आधी। इसका मतलब आपने जो डिस्काउंट वगैरह जो दिए थे, डिस्ट्रीब्यूटर तय किए थे, उनमें भी कोई खेला हो रहा था। खेला क्या हो रहा था? दुकान से नहीं अपितु जहां से शराब शुरू होती है वहां से दुकान तक व्यक्ति एक ही था जो सप्लाई कर रहा था। उसने अपना ही सिस्टम सब जगह सेट कर दिया, बाकी जगह पर डिस्काउंटेड माल बेचकर और क्षेत्रों में सब चीजें खत्म। एक प्रकार से दिल्ली के अंदर मोनोपॉलिसी स्थापित होने लगी कुछ व्यापारियों की मोनोपॉली स्थापित होने लगी शराब बिक्री के अंदर। और बाकी जो ठेकेदार थे जो कभी खुश होकर दुकान लिए थे, अब उन्हें एहसास होने लगा कि यार हम तो उल्लू बन गए, हम तो सोच रहे थे कि सरकार हमारे लिए अच्छा कर रही है लेकिन ये तो किसी और भी बड़े आदमी को अच्छा करने के लिए था। वो लोग बैकफायर कर गए। साथियों, हमारे विभाग के एक सबसे बड़ी कमी ये है, शराब के विभाग की। यहां का सबसे जो खतरनाक आदमी है ना, वो क्या होता है? वो ठेकेदार है जिसका नुकसान हो रहा है। अब वो ठेकेदार को नुकसान हो रहा है, इधर करप्शन के लिए एंटी करप्शन विंग एनी टाइम चालू रहती है। वो ये ढूंढती है कि बेटा तुम गलती करोगे और लपेटे में आओगे। ऐसी स्थिति में ये जो खेला हो रहा था, यहां पर एक दो लोग रोग हो गए, बागी हो गए। किसके बागी हो गए? सरकार के बागी हो गए। सरकार के बागी हो गए और उन्होंने अपोजिशन से हाथ मिला लिया। मतलब जिनको घाटा हुआ वो सरकार के खिलाफ चले गए। और यहीं से शुरू होती है आर्थिक अपराध शाखा, ये जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है दिल्ली पुलिस की, उसकी एंट्री। क्योंकि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने इसकी शिकायत की कि इस मामले में घोला क्या है, इसकी जांच की जाए। जुलाई में जब यह पॉलिसी चल रही थी, इसकी जानकारी जुटाने का कार्य शुरू हुआ। होम डिलीवरी जब चल रही थी, उसी समय इकोनॉमिक ऑफेंस विंग दिल्ली सरकार की नहीं, एक प्रकार से दिल्ली पुलिस, जो कि पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती है, उन्होंने जांच करना शुरू किया। आबकारी विभाग के दस्तावेज जांचे गए, सारी मीटिंग्स की डिटेलिंग निकाली गई, हर बैठक की रिकॉर्डिंग निकाली गई, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर, इन सब से जानकारी प्राप्त की गई। इस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने सारे एप्लीकेशन फॉर्म जो थे, सारी चीजों की जानकारी प्राप्त करना शुरू किया। और फिर जानकारी में निकल कर आया कि शराब ठेकेदारों से 144 करोड़ रुपए की जो टेंडर फीस थी ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है। अब ऐसी स्थिति में यह पैसा जो है, यह कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनावों में उपयोग में लिया है। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया ने बियर के अंदर प्रति केस 50 रुपए का आयात शुल्क भी हटा दिया था, जिससे राज्य के सरकारी खजाने को नुकसान हुआ था। इसका मतलब उससे भी जो पैसा बना वो भी कहीं ना कहीं गया था। अधिकारियों ने कहा कि यदि पहले से लागू की गई नीतियों में कोई बदलाव होता है तो उसके ऊपर उपराज्यपाल की मंजूरी आवश्यक है, जो कि दिल्ली एक्साइज रूल 2010 और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में सीबीआई तक यह जांच पहुंचना तय थी। अब जब जानकारी के लिए वहां पर यह चीज पहुंचना शुरू हुई, शराब माफियाओं के ऊपर फायदे की बात शुरू हुई, तो अगस्त 19, 2022 के अंदर मनीष सिसोदिया से पूछताछ सीबीआई करने घर पहुंच जाती है। 24 घंटे की पूछताछ होती है, 14 घंटे की पूछताछ होती है। सिसोदिया आज जेल में क्यों गए हैं, उसकी पटकथा इसी वाले अगस्त के रेड से तय हो गई थी। अब ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि जब यह चीज सिसोदिया को समझ में आई कि लोगों को खेला समझ में आ गया है, इन्होंने वो पॉलिसी गायब कर दी और पॉलिसी हटा करके पुरानी पॉलिसी जो नवंबर 2021 में चल रही थी वो दोबारा लागू कर दी। यानी सरकारी दुकानें और प्राइवेट दुकानें बना दी। अब जब भाई जिसने बहुत बड़ा नुकसान झेल लिया है, उसमें वो व्यक्ति तो सामने आएगा ही जो सरकार के फैसलों के कारण निपट गया है। क्योंकि सरकारी दुकानों से पहले प्राइवेट दुकानें करना, प्राइवेट दुकानें होने के बावजूद दुकानों का आधा रह जाने का बड़ा कारण है कि सप्लायर का किसी एक बड़े आदमी का होना, और वो बड़ा आदमी था दिनेश अरोड़ा, जो बड़ा व्यापारी था। मनीष सिसोदिया ने इस बड़े व्यापारी से बड़ी लेनदेन की थी, ऐसी जानकारी सीबीआई को पता चली। क्यों? क्योंकि यही व्यक्ति जो है ये पुलिस से जाकर मिल गया, क्योंकि इसे हो चुका था अब तक घाटा, क्योंकि सिसोदिया डर के मारे अपनी पॉलिसी बदल दिए, ऐसे आरोप हैं। पॉलिसी बदलने पर यह आदमी अपने घाटे की भरपाई कहां से करे, ये तो पहले ही निपट गया। यह आदमी जाकर पुलिस से मिल लिया। अब इसी की जवाबदेही और निशानदेही पर सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। यह बड़ा बिजनेसमैन है, जो कि इस समय सिसोदिया, विजय नायर और कई नेताओं के नाम ले चुका है। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम को सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बताया कि दिसंबर 2022 में दिल्ली की कोर्ट में ईडी ने दावा किया कि इन्होंने 170 बार मोबाइल फोन बदले और उन्हें तोड़ दिया। 170 बार मोबाइल बदले। जब यह पॉलिसी चल रही थी तब 170 बार फोन बदले गए, जिसकी कीमत 1.38 करोड़ रुपए। यानी इतने के तो फोन बदल दिए, ताकि, क्योंकि फोन में क्या होता है ना, रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड से पता चल जाता है। ईडी ने कहा कि इस मामले में प्रमुख सबूत मोबाइल फोन में थे। उनमें कम से कम 36 आरोपियों के मई से लेकर अगस्त तक 170 मोबाइल यूज किए गए, जिन्हें तोड़ दिया गया। ईडी ने इनमें से 17 फोन बरामद कर दिए हैं, लेकिन उसमें से कईयों में आंकड़े डिलीट हो चुके हैं। आबकारी विभाग में पहले काम कर चुके अधिकारियों ने कहा कि इन्होंने ड्राफ्ट बदलवाए थे और ड्राफ्ट बदलवा करके पहले ही सरकारी नीति को ठेकेदारों तक पहुंचा दिया गया था। उसके अंदर 18 मोबाइल हैंडसेट और 4 सिम कार्ड का उपयोग हुआ था। सीबीआई ने 19 अगस्त 2022 को सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। उसी दिन सिसोदिया ने एक सिम कार्ड के लिए 3 मोबाइल फोन बदले थे। 20 अगस्त को 3 हैंडसेट में से एक मोबाइल फोन नंबर का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस को ये सारी जानकारियां जब पता चली तो इनकी गिरफ्तारी तय थी। सीबीआई की जांच टीम सीबीआई के अनुसार इनके पास पहुंची, इनकी सारी चीजें चेक करना शुरू की। सिसोदिया पर फिलहाल आपराधिक साजिश धारा 120 बी और 477 ए लगाई गई है। इनके मामलों की तफ्तीश तसल्ली से जारी है। ये क्या होते हैं? 120 बी पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सेक्शन 477 ए फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट यानी कि झूठ बोलना। 7 महीने के अंदर मतलब अगस्त से शुरू हुआ कारनामा इनकी गिरफ्तारी पर जाकर खत्म हुआ। यह शराब नीति के घोटाले में चूंकि इन्हें यह अंदाजा पहले ही हो गया था कि अगस्त में रेड पड़ी है तो सीबीआई ऐसे तो छोड़ने वाली नहीं है। अब तक जो जानकारी मीडिया में आ रही है वो ये है कि सारे सबूत पूरी तरह क्लीन चिट हो रखे हैं, सब साफ हैं, यानी कि कोई भी चीज अब पुलिस के हाथ लगने वाली नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इस बीच में राजनीति भी बढ़िया से चल रही है। राजनीति क्या कि कहीं केजरीवाल चुनावों में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन ना कर दें इसलिए उनको रोका गया। लेकिन जो चीज यार ओपन बुक की तरह खुली हुई की चीजें हैं उस पर भी राजनीति हो, इसलिए थोड़ा सा तार्किक होकर इसे भी देख लेना चाहिए। लेकिन हां, पक्ष तो दूसरा भी है। दूसरा पक्ष यह है कि इसी समय पर क्यों लाया गया, इनको गिरफ्तार किया गया? क्योंकि ये बजट पेश करने वाले थे, क्या पता बजट में कुछ ऐसा कर देते जो कि मिसाल कायम होती। दूसरा, अन्य चुनावों में जाने के लिए, राज्यों में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ऐसे में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से अरविंद केजरीवाल कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर पॉइंट नंबर 2 पर यही आते हैं। ये तमाम बातें जो राजनीति में चलती रहेंगी। खैर, मैंने आपको पूरी पॉलिसी और पूरी पॉलिसी के अंदर का जो खेला है वो समझाने का प्रयास किया है। अब इससे जुड़े हुए कई बार कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे एमपीपीसीएस के अंदर सवाल पूछा गया। क्या पूछा गया? बैनिंग ऑल टाइप ऑफ लिकर इज द बेस्ट वे टू इंप्लीमेंट प्रोहिबिशन। क्योंकि आपके दिमाग में अब तक यह सवाल आ चुका होगा कि सरकार शराब बंद क्यों नहीं कर देती, और जब अब तक यह सवाल आ चुका होगा कि शराब बंदी क्यों नहीं हो जाती, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, आप इनके अनुसार आंसर कर सकते हैं। मैंने इस पर पूरा सेशन किया हुआ है, गूगल कर लीजिएगा, सरकार शराब बंदी क्यों नहीं करती, काफी डिटेल में इस पर चर्चा की है। उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन लंबा जरूर लग रहा होगा, लेकिन इसकी उपयोगिता और उपादेयता समझ में आएगी। उम्मीद है दुनिया में चल रही घटनाएं भी आपको साथ साथ पता चलती जा रही होंगी। शराबबंदी आपके टैक्सेशन पर नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सरकारें शराब बंद नहीं करती। दूसरा, शराब बंद कर दिया जाए तो जिन लोगों की आदत शराब पीने की ऑलरेडी बन चुकी है वो लोग गलत तरीके से जो मतलब शराब जो है उसका कंजप्शन करेंगे, और उस कंजप्शन की वजह से लोगों की मौत होंगी। उन मौतों से बचने के लिए सरकार सामान्यतया शराब को सरकारी दुकानों से बेचने का प्रावधान करती है, ताकि वहां पर एक गुणवत्ता पूर्वक शराब की वितरण प्रणाली सुनिश्चित की जा सके। इसी कारण से शराब की बिक्री हर राज्य सरकार करने का निर्णय करती है। तो यह आपके पास एक आंसर होना चाहिए, ठीक है। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे, यह न्यूज हमने बताई थी। अब उनका इस्तीफा हो गया है, अब यह न्यूज हम आपको बता रहे हैं। दोनों न्यूज आपको एक साथ मिल जाएंगी। कल के सेशन में मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो, कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के अंदर गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद क्या हुआ? तो इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफा और ये सारी खबर आज के सेशन में आप पूरी मतलब नीति के साथ में आप जानने वाले हैं। क्योंकि नीति मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, तो वो आपको थोड़ी ही देर में प्राप्त हो जाएगी। हम उस सेशन को अलग से आपके साथ साझा कर रहे हैं। अरेस्टेड आप मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन क्विट दिल्ली कैबिनेट। इन्होंने दिल्ली की कैबिनेट को छोड़ दिया है, और इनका जो नाम है वो ट्विटर पर फिर ट्रेंड करने लग गया था। मनीष सिसोदिया 26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे। सतेंद्र जैन जो है वो 30 मई 2022 को गिरफ्तार हुए थे। ये वही है सतेंद्र जैन जिनका एक वीडियो जेल के अंदर मसाज कराते हुए वायरल हुआ था। ये जेल में थे। सुकेश जैन ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि उसकी हिफाजत के लिए इन्होंने पैसे मांगे थे, ठीक है ना। हमने आपको ये मतलब सेशन भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अंकित इंस्पायर इंडिया पे, जिसमें बताया था देश की राजनीति में तिहाड़ जेल के अंदर मसाज का वीडियो वायरल हुआ था, वही वाले सतेंद्र जैन है ये। इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, मनीष सिसोदिया ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के पीछे एक प्रकार से यह दिखाया जा रहा है कि देखिए हमने अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम जांच को प्रभावित करें, इसलिए पद से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन राजनीति है, उसके कई सारे मायने निकलते हैं। बाकायदा इन्होंने प्रॉपर लेटर लिखा है और लेटर के अंदर यह बताया है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मतलब जिन्होंने इन्हें गिरफ्तार किया वो कातिल हैं, और जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं उसका फैसला भी इन्होंने खुद कर लिया है कि साहब इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं होने दिया था, यानी शराब घोटाला जो था इसके पीछे ये जिम्मेदार नहीं थे। इन्होंने अपने आप को एक तरह से यह दिखाया है कि मैंने भले ही दुकानों में 3-3 बजे तक खुलने की परमिशन दी हो, शराब एक के साथ साथ 2-1 फ्री देने की कोशिश की हो, दुकानों की संख्या बढ़ाकर हर वार्ड में खुलने की परमिशन ही क्यों ना दे दी हो, लेकिन मैं तो शिक्षा मंत्री पहले था, बाकी 18 विभाग तो बस मैं यूं ही लेकर चल रहा था। 33 में से 18 विभाग रखने वाले मनीष सिसोदिया यही दिखा रहे हैं कि उन्होंने शिक्षा मंत्री के रूप में जबरदस्त काम किया, लेकिन आबकारी मंत्री जो है उसके बारे में तो वो अपने आप को ऐसा शो कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने उस मंत्री पद को निर्वहन ही नहीं किया या फिर वो मंत्री पद होता ही नहीं है। खैर राजनीति है, जैसा भी हो, लेकिन एक चीज यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग हुई और वो ये है, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी जब हुई तो वो गिरफ्तारी के बाद राहत लेने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इनकी गिरफ्तारी धारा 41 के तहत की गई, क्योंकि इनके साथ में मतलब रिमांड अधिकारी ने इसलिए ले लिया क्योंकि इनको पहले बुलाया गया था, ये आए नहीं थे तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट इनकी तरफ से, अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के नेता हैं वो जो है वो जमानत लेने पहुंचे इनकी तरफ से कि साहब सुप्रीम कोर्ट से कहा कि साहब इन्हें जमानत दो, तो वहां पर सीबीआई जो थे डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि भाई एक बात बताइए, आप लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले आएंगे, प्रोसेस फॉलो करिए। सीबीआई ने 5 दिन के लिए आपको रिमांड पर लिया है, आप पहले हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो तब हमारे पास आना। यानी एक प्रकार से सुनवाई तो हो गई इनकी, लेकिन सुनवाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा कि गलत परिपाटी सेट मत करिए, आप सीधा पहले सुप्रीम कोर्ट मत चले आइए, हाईकोर्ट जाइए। तो इनको हाईकोर्ट भेज दिया, गो टू हाईकोर्ट, वहां जाकर के परमिशन लेकर आइए क्योंकि आपके ऊपर करप्शन का केस लगा है। तो अब ऐसी स्थिति में इन्होंने क्रॉस क्वेश्चन, जो अभिषेक मनु सिंघवी थे उन्होंने कहा सर ऐसा नहीं है, लोग कई बार ऐसा भी होता है कि जब उनके खिलाफ केस होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सीधा भी राहत लेने आ जाते हैं, जैसे बोले जैसे विनोद दुआ के केस में आया था। विनोद दुआ अब नहीं बचे हैं, इनके केस में क्या हुआ था कि कोरोना काल में इन्होंने सरकार विरोधी कुछ लेख लिखे थे जिसके चलते इनके ऊपर देशद्रोह का कानून लगा दिया गया था और मतलब धारा लगा करके इन्हें गिरफ्तार की कोशिश की जा रही थी, तो ये तुरंत जाकर सुप्रीम कोर्ट से बेल ले आए थे। ऐसी स्थिति में यहां पर जो इनके वकील थे सिसोदिया साहब के, उन्होंने कहा कि साहब आपने पहले भी तो एक व्यक्ति को इस तरह की राहत दी थी, तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए उनको राहत दी थी क्योंकि वो पत्रकार थे, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी प्रभावित हो रही थी इसलिए, लेकिन अब जो आपका केस है इसमें जो आपका आरोपी जिस व्यक्ति को लेकर आप घूम रहे हैं इनके ऊपर कथित भ्रष्टाचार का आरोप है। ऐसी स्थिति को दोनों को बराबर आप कंपेयर नहीं कर सकते, प्रोसेस फॉलो करके आप आए। तो ऐसी स्थिति में इन्हें सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया है, ठीक है ना। तो ये विनोद दुआ वाला केस था। इन दोनों ने फिलहाल के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह सेशन पसंद आया होगा। अपने सभी साथियों के साथ इसे साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और भैया इन्हें सिंसियरली पढ़ते रहें। जितने भी सवाल मैंने आपको अभी तक डिस्कस किए हैं इन्हें बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। इनका मैं वीकली टेस्ट लूंगा। 4 लाख जब सब्सक्राइबर इस चैनल पर हो जाएंगे तो टेस्ट के साथ साथ गिफ्ट भी दूंगा, और गिफ्ट लाइव अनाउंस होंगे, आपके सामने चलेंगे। जल्दी से पहले तो सब्सक्राइबर बढ़ाइए और अपना प्रोसेस आगे बढ़ाइए, ठीक है। आज से रात को 8:30 बजे हमारा सेशन शुरू होने जा रहा है। कौन सा सेशन शुरू होने जा रहा है? डिटेल्ड जर्नल अवेयरनेस बैच, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, डिफेंस, रेलवे के विद्यार्थियों के लिए मात्र 1999 में शुरू होने जा रहा है। क्लासेस सारी डिजिटल बोर्ड से ली जाएंगी, रात 8:30 से 9:30 ली जाएंगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की क्लास होंगी। वीक में 5 दिन क्लासेस चलेंगी, शुक्रवार, मंडे टू शुक्रवार ये क्लास चलेंगी। आज से शुरू हो रही हैं। लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर हमने अपना आरएनए बाय अंकित अवस्थी का पिन कर दिया है। पेड कोर्स यहां पर होने वाला है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कुछ डाउट हैं, लैंग्वेज कोर्स की क्या होगी? बाईलैंग्वल होगा, पूरा कंटेंट हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। पीडीएफ के नोट्स भी बाईलैंग्वल होंगे, हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे। क्लासेस कैसी होंगी? लाइव भी होंगी, रिकॉर्डेड भी होंगी। यानी लाइव आपने पढ़ लिया, अगर आप नहीं देख पाए कोई बात नहीं, वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी पूरे 1 साल के लिए। आप उसे कितनी भी बार देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। क्लास का टाइमिंग शाम 8:30 बजे, क्लासेस के डे मंडे टू फ्राइडे। वीकली टेस्ट करंट अफेयर का लिया जाएगा। मैंने आपसे कहा वीकली टेस्ट के विजेताएं भी दिए जाएंगे आने वाले समय में। मेरे प्यारे साथियों, हमने अपने कॉल सेंटर में एक नंबर और नया एक्टिवेट कर दिया है, तो फिलहाल आपके लिए 4 नंबर ऐड हो गए हैं, ये तो है ही, इसके साथ साथ 81, 82, 83 है। हाँ, तो 83, 81, 82, 83, तो 9982910418182 और 83, 3 नंबर और हमारे यहाँ एक्टिवेट हो गए। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में है। कैसा रहा आपका अनुभव हमें जरूर बताएं। बाकी जो आगे करने वाला हूं मैं, वो जानकारी आप पहले ही प्राप्त कर लें। जो मैंने भविष्य में प्लानिंग की है, वो भविष्य की प्लानिंग कुछ इस तरह से है, जैसे अभी ये सेशन हमारे बहुत लंबे हो रहे हैं। लंबे सेशंस के साथ साथ आप लोगों के लिए भी इतना समय निकालना काफी ट्रबलसम हो रहा होगा। फिर नोट्स बनाने आप लोगों के लिए एक अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी हो रही होगी। मैंने जो हाल ही में वैकेंसी निकाली थी अपने लिए, बच्चों के लिए, कि भाई कोई अगर आकर हमारी टीम से जुड़ना चाहता है तो वो जुड़े, क्योंकि हम यहां से आगे नोट्स भी आपको खुद बना के दें ताकि आपका समय बचे। हमारी कोशिश ये हो रही है आने वाले समय में कि आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स भी सेशन के अंदर बना के दिए जाएं, ठीक है। तो उसके लिए हमने टीम इनवाइट की है। आज देखते हैं, आज कुछ इंटरव्यूज हैं, बाकी जैसे जैसे इंटरव्यूज होंगे मैं आपको बताऊंगा। और विद इन, क्योंकि हर चीज में थोड़ा समय लगता है, आरएनए को हम एक उस लेवल पर लेकर चले जाएंगे जिसके बाद ना आपको करंट की चिंता 1% भी नहीं करनी होगी। आपको क्लास की स्लाइड्स में भी वो दिखने लगेगा। क्लास की स्लाइड्स जो होंगी उसमें भी प्रॉपर तरीके से एक ही जगह संगठित चीजें, एक ही जगह प्रॉपर, मतलब उसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है, वेल रिसर्च्ड। तो थोड़ा सा उसमें समय लग रहा है, चिंता मत करिए। एक्सप्लेनेशन का पार्ट मेरा है, लेकिन जो कंटेंट का पार्ट है ना, उसको मैं मजबूत कर रहा हूं और बहुत अच्छे से हम उस पर करेंगे। ऐसे ही जो हमारा जीके वाला पार्ट होने जा रहा है रात को, उसमें भी हम कुछ वैसा ही प्लान कर रहे हैं। उसके लिए भी हमने कंटेंट टीम इनवाइट की है। ऑलरेडी कंटेंट बन भी रहा है, बन भी चुका है, लेकिन फिर भी उसको भी ऐसा बनाया जाए कि फिर उसके अलावा कुछ ना पढ़ना पड़े। तो इन 2 विषयों पर हमारा लगातार प्रयास चल रहा है। वी आर वेरी मच श्योर कि हम निश्चित ही इस पर जीत हासिल करेंगे। आपका प्यार और साथ बना रहा तो हम लोग जीके और करंट अफेयर में आपको 1 स्टॉप सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। ये मेरा विजन है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।